मुंबई में समीर वानखेड़े को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। समीर वानखेड़े को बुलाया गया है और उन्हें सीबीआई ने समन देकर बुलवाया है। तो बता दें आपको, एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े को सीबीआई ने समन देकर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया है। और बड़ी खबर मुंबई से आपको बता रहे हैं, समीर वानखेड़े को सीबीआई ने समन देकर बुलाया है, यानी समीर वानखेड़े को जवाब देना होगा। ये बड़ी जानकारी देखिए, और समीर वानखेड़े को सीबीआई ने समन देकर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले गुरुवार को समीर वानखेड़े सीबीआई की टीम के सामने पेश हो सकते हैं। वानखेड़े पर आर्यन केस में 25 करोड़ की उगाही मांगने का आरोप है, जिसमें 18 करोड़ में डील फिक्स हुई थी, 50 लाख का एडवांस पेमेंट भी लेने का आरोप है। और ये सभी आरोप वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर से खुलासा हुआ था। तो ये पूरा मामला देखिए, ये सामने आया। आर्यन खान को 2021 में मुंबई के पास समंदर में एक क्रूज से गिरफ्तार किए जाना के पूरा मामला, और उस समय समीर वानखेड़े एनसीबी के मुंबई जोन के डायरेक्टर थे। तो 18 करोड़ की डील की थी वानखेड़े में। देखिए 2021 का मामला, आर्यन केस से जुड़ा ये पूरा केस है, और ऐसे में अब सीबीआई ने बुलाया है समीर वानखेड़े को 25 करोड़ उगाही मामले में। तो ये आरोप यहां पर लगा है, तो आर्यन केस में रिश्वत मांगने का यहां पर आरोप, और ऐसे में अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है समीर वानखेड़े की। चलिए और ज्यादा हम जानकारी लेंगे समीर वानखेड़े को लेकर कि आखिर समीर वानखेड़े की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ने जा रहे हैं, अंकुर त्यागी है। और उससे पहले हम ग्राफिक्स एक बार आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से ये जो पूरा मामला सामने आया है समीर वानखेड़े का, लगातार शिकंजा कसता जा रहा है समीर वानखेड़े पर। देखिए, और सीबीआई ने ये बड़ा जो खुलासा किया है, किस तरह से अब आगे पूछताछ होगी। 25 करोड़ की उगाही मांगने का आरोप समीर वानखेड़े पर लगा आर्यन केस में, 18 करोड़ में डील फिक्स हुई थी। तो बड़ी साजिश यहां पर समीर वानखेड़े की, इसका खुलासा सीबीआई ने किया है। तो पूछताछ, विदेश यात्राओं की सही जानकारी नहीं दी गई पूछताछ में। महंगी घड़ियों को लेकर देखिए यहां पर बात कही गई है, आय से अधिक संपत्ति ब्यौरा नहीं मिला। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो निकलकर सामने आई है। आर्यन के परिवार से 25 करोड़ की डिमांड यहां पर मांगी गई। तो सीबीआई के एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ है, समीर वानखेड़े पर कई बड़े आरोप लगे हैं। अजीत पवार ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। अभी उनके खिलाफ इंक्वायरी चालू है, इंक्वायरी खत्म होने के बाद सब कुछ आगे आज आएगा कि क्या गलत था, क्या सही था, किसका स्टेटमेंट ठीक था, किसका स्टेटमेंट गलत था, वो सब सामने आएगा। किया था ना, जब उनके हाथ में कुछ रहता है तो बदनाम लोग करते ही है, ऐसा ही चलता है। लेकिन बाद में पता चलता है, 6 महीने के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, लेकिन बदनामी तो जो होनी है वो हो ही जाती है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुर जुड़ चुके हैं। अंकुर, समीर वानखेड़े को लेकर देखिए अब शिकंजा कसता जा रहा है सीबीआई का, तमाम जांच हुई है, तमाम खुलासे सीबीआई ने किए हैं, अब समन यहां पर भेजा गया है समीर वानखेड़े को। कितना वक्त है उनके पास, कब तक उन्हें अपना जवाब देना है? लेकिन जो समन दिया गया है उसके मुताबिक भी आने वाला, जो हमें सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं इस खबर को, कि जो गुरुवार है तब गुरुवार को सीबीआई की टीम के सामने समीर वानखेड़े जाएंगे। कल ही उनका मोबाइल फोन जो है उसको सीज कर लिया गया है सीबीआई ने, उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जाहिर तौर पर इतना जो वक्त मिल रहा है सीबीआई इसलिए चाहती है क्योंकि उनके पूरे फॉरेंसिक डेटा
कुक पहले निकाल लिया जाए, क्योंकि जब क्वेश्चनिंग की बात आएगी तो उस वक्त उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग में ये जो डेटा होगा और उससे जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बहुत हद तक क्वेश्चनिंग के दौरान मददगार होगी, और इसी वजह से उनको गुरुवार को बुलाया गया है। मामला 2021 का है जब आर्यन खान और कोई और जो लोग थे, तकरीबन 8 लोग थे जिनको ड्रग्स के मामले में उस वक्त अरेस्ट किया गया था, और तब आरोप लगे थे। तब इसमें एनसीपी की जो पार्टी के जो नवाब मलिक थे उन्होंने आरोप लगाया था, आय से ज़्यादा संपत्ति के आरोप लगाए थे समीर वानखेड़े के ऊपर। तब एक विजिलेंस कमेटी को बनाया गया, विजिलेंस कमेटी का काम था इस पूरे मामले की जांच करना कि क्या वाकई में समीर वानखेड़े ने जब वो जोनल डायरेक्टर थे एनसीपी के तो कुछ गड़बड़ियां करी या आय से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी करी या नहीं करी। और अब 11 मई को उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है एनसीपी की जो विजिलेंस कमेटी है उसने सीबीआई को दिया, जिसके बाद सीबीआई ने शुक्रवार को बकायदा इस मामले में एफआईआर दर्ज करी। समीर वानखेड़े उनके साथ 2 लोग और हैं अधिकारी हैं, उनको इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया। शुक्रवार को ही यहां पे तकरीबन 12 घंटे लगातार सीबीआई की रेड इनके अलग अलग ठिकानों पे चलती रही। 29 ऐसी जगह थी 4 शहरों की, दिल्ली, मुंबई, झारखंड और इसके अलावा कानपुर, जहां पर छापेमारी की गई थी। और उसके बाद अब उनका फोन सीज करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है, उनको सम्मन किया गया है, गुरुवार को पेश होना होगा समीर वानखेड़े को, बताना पड़ेगा क्योंकि आरोप बहुत गंभीर लगाए गए हैं। 25 करोड़ की उगाही करने का आरोप लगाया है। केपी गोसावी एक इंडिपेंडेंट ये विटनेस था उस पूरे के पूरे मैटर में, जो हम बात कर रहे हैं 2 अक्टूबर 2021 की जो ड्रग्स का जो मामला पकड़ा गया था, और उसमें ये आरोप है एफआईआर में ऐसा आरोप है कि समीर वानखेड़े के कहने पर केपी गोस्वामी ने 25 करोड़ की उगाही करने की कोशिश करी और जो डील हुई थी वो 18 करोड़ पे फिक्स हुई, जिसके बदले में कुछ 50 लाख रुपए बकायदा लिए भी गए थे। तो इस तरह, और इसके अलावा केपी गोस्वामी को बहुत ज़्यादा छूट दी गई और किस तरीके से तो गलत अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया, ऐसे गंभीर आरोप समीर वानखेड़े के ऊपर लगाए गए हैं। उनका अब उनको जवाब देना है। दूसरा उनको जवाब देना है कि उन्होंने जो महंगी घड़ियां हैं या उनकी विदेश की यात्राएं हैं उसके बारे में सटीक जानकारी नहीं दी है, और उससे जुड़ी हुई जानकारी भी लगातार जो सीबीआई की जो टीम है वो उनसे मांग रही है। तो ये कई सारे अलग अलग बातें हैं जिनके ऊपर समीर वानखेड़े को आने वाले गुरुवार को जवाब देना होगा सीबीआई की टीम के सामने। यानी अंकुर, ये माना जा सकता है कि अगर पुख्ता जानकारी, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सीबीआई को नहीं मिलती है, क्योंकि अभी तक देखिए समीर वानखेड़े ने कोई भी जानकारी नहीं दी है, सही जवाब नहीं दिया है कि आखिर इतनी संपत्ति कहाँ से आई, इतनी लग्जरी घड़ियाँ कहाँ से आई, मोबाइल फोन कहाँ से आए, तो माना ये जा सकता है कि क्या समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी हो सकती है आने वाले दिनों में? पहली बात तो मैं आपको रेट से जुड़ा हुआ पूरे फैक्ट्स बताऊंगा कि 18,000 रुपए की रकम उनके घर से बरामद हुई है सीबीआई को, जो 12 घंटे की रेट लगातार चलती रही, 9 अधिकारी उसके अंदर रहे। जहां तक बात है विदेश यात्राओं का, विदेश यात्राओं जो इस पूरे केस से पहले की कुछ विदेश यात्राओं का यहाँ पर जिक्र किया गया है, और उसके अलावा कुछ महंगी घड़ियों का जिक्र किया गया है, लेकिन अभी तक सीबीआई एग्जैक्ट नहीं बता पाई है कि उन्होंने कितना पैसा एक्चुअली में उनको लगता है कि कितना आय से ज़्यादा संपत्ति अर्जित करी है समीर वानखेड़े ने बतौर जोनल डायरेक्टर के तौर पे। तो यहां पर जो कई सारी अलग अलग चीजें हैं, जैसे हम बता रहे हैं महंगी घड़ियां हैं, कुछ विदेश की यात्राएं हैं, ऐसे पॉइंट्स लेकर जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए कि 25 करोड़ की उगाही वो करने की कोशिश कर रहे थे केपी गोसावी के जरिए, उन आरोपों का जवाब समीर वानखेड़े को यहां पर देना है। लेकिन सीबीआई के हाथ में भी अभी तक एग्जैक्ट ये बात पता नहीं चल पाई है कि अगर संपत्ति इकट्ठी की गई है तो कितनी संपत्ति इकट्ठी की गई है। और इसके अलावा अंकुर, क्या और भी कोई नाम यहां पर निकल कर सामने आ सकते हैं? देखिए, 2 और अधिकारी हैं, आशीष रंजन हैं, इसके अलावा एक और अधिकारी हैं, तो कुल 2 अधिकारी हैं जिनके खिलाफ ये पूरे का पूरा मामला चल रहा है, सीबीआई ने एफआईआर करी है, उनसे भी पूछताछ की जाने वाली है, क्योंकि ये एक टीम हुआ करती थी उस वक्त मुंबई के जोनल डायरेक्टर के तौर पर, जब जो समीर वानखेड़े जब मुंबई में कार्यरत थे। अभी फिलहाल उनका ट्रांसफर हो चुका है, वो चेन्नई में अभी काम कर रहे हैं, लेकिन उस दौरान में एक पूरी टीम थी जिसके ऊपर आरोप लगा था कि ये किस तरीके से एक नेक्सस कर लोगों को ड्रग्स के नाम पर या ड्रग्स के केस में फंसाने के नाम पर उगाही करती है। इस तरह के गंभीर आरोप जो थे वो एनसीपी के तत्कालीन मंत्री रह चुके नवाब मलिक ने लगाए थे,
अब उन्हीं आरोपों को उस वक्त जांच करने के लिए एक विजिलेंस कमेटी बनाई जिसकी रिपोर्ट यहां सामने आई। तो दिक्कतें आप कह रही हैं, यकीनन तौर पर दिक्कतें बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही हैं समीर वानखेड़े के लिए, क्योंकि जैसा हमारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं, समीर वानखेड़े आने वाले चुनावों में अपने आप को एज ए कंटेस्टेंट उतारने की भी तैयारी कर रहे थे, लगातार उन्होंने जनसंपर्क करना भी शुरू कर दिया था। ऐसे में अगर ये केस सामने आ रहा है और उस तरह से उनका लगातार पूछताछ हो रही है और उनके घर पर रेड हो रही है, उनके ठिकानों पर रेड हो रही है और उनसे पूछताछ की जाएगी, तो यकीनन तौर पर जो उनके ओवरऑल उनका जो उम्मीदें हैं अपने भविष्य को लेकर, उनको तो एक तगड़ा झटका लगा ही है। बिल्कुल, एक बड़ा झटका लगा है यहाँ पर समीर वानखेड़े को, और ऐसे में गुरुवार का आप दिन बता रहे हैं कि गुरुवार तक उन्हें जवाब दाखिल करना है। अगर गुरुवार तक वो जवाब दाखिल नहीं करते हैं तब क्या होता है आगे? गुरुवार को अगर जवाब देते हैं तो आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा? क्या आगे और पूछताछ के लिए उन्हें फिर से बुलाया जाएगा? देखिए, जो हमारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि समीर वानखेड़े गुरुवार को जा सकते हैं, अभी तक उन्होंने इस तरह का कोई भी अपना इंटेंट सीबीआई को नहीं दिया है कि वो हाजिर नहीं हो पाएंगे, और बहुत उम्मीद की जा रही है कि वो जाएंगे और अपना स्टेटमेंट वहाँ पर रिकॉर्ड करवाएंगे, जहाँ पर उनको लगता है कि जैसे कि लगातार उनका परिवार कहता आ रहा है कि वो एक ईमानदारी से उन्होंने अपना काम किया और ईमानदारी की सजा मिल रही है। तो यकीनन तौर पर अब यहाँ से अगर वो जाँच से बचने की कोशिश करेंगे तो उनका मालिए मामला और ज़्यादा उलझ जाएगा, तो वो अभी फिलहाल उस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहेंगे। और यकीनन तौर पर ऐसा जो सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं सीबीआई से भी और समीर वानखेड़े के परिवार के जो सदस्य हैं उनसे भी कि समीर वानखेड़े आने वाले गुरुवार को सीबीआई के सामने पेश होंगे और अपनी बात रखेंगे अपने स्टेटमेंट के जरिए। बिल्कुल, और इंतजार इस बात का है कि क्या यहाँ पर रिमांड ली जाती है, क्या यहाँ पर गिरफ्तारी होती है समीर वानखेड़े की, क्योंकि देखिए अभी तक भी है जो भी मामला साफ नहीं हो पा रहा है, तमाम जो चीजें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है, चाहे वो विदेश यात्राएं हो, चाहे जैसे संपत्ति जो हो आय से अधिक की संपत्ति का मामला हो, और देखिए आप लगातार बने रहिए वानखेड़े को लेकर। देखिए सीबीआई ने जो बड़ा खुलासा किया है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वानखेड़े के इशारे पर देखिए गोसावी ने फिरौती मांगी थी, आर्यन के परिवार से 25 करोड़ की डिमांड यहां पर की गई थी, विदेश यात्राओं को लेकर जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कोई सही जानकारी नहीं दी, कई लग्जरी जो घड़ियां हैं इसको लेकर उनसे जब जानकारी देने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, तो आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है। अब जो है सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है समीर वानखेड़े को लेकर, अब देखना ही है कि क्या समीर वानखेड़े की मुश्किलें यहां पर कोई कम होती है या नहीं होती है, ऐसा अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता। और जिस तरह से हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं फिलहाल गुरुवार तक देखिए उन्हें जवाब दाखिल करना है, तो समीर वानखेड़े पर शिकंजा लगातार सीबीआई का कसता जा रहा है। 2021 आर्यन गिरफ्तारी केस में शाहरुख से उगाही मांगने का आरोप, देखिए डिमांड यहां पर की गई थी 25 करोड़ की, यहां पर डिमांड मांगी गई थी, 18 करोड़ में डील फिक्स हुई थी, 50 लाख का एडवांस पेमेंट भी लेने का आरोप यहां पर समीर वानखेड़े पर लगा है, तो रिहाई के बदले 25 करोड़ मांगा था समीर वानखेड़े ने। Z News।